यूपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल से ट्रेन द्वारा 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कानपुर पहुंची। ऑक्सीजन के टैंकर को जूही इनलैंड कंटेनर डिपो में उतारा गया और यहां से बिना समय गवाए आसपास के जिलों को सप्लाई के लिए भेज दिया गया है। दरअसल प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की कवायदें तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में कानपुर मंडल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक ट्रेन से 80 एमटी ऑक्सीजन के 4 टैंकर को लाया गया। ट्रेन के कानपुर पहुंचते ही स्टेशन पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। ट्रेन की रैक को सुरक्षा और सावधानी के साथ जूही इनलैंड कंटेनर डिपो लाया गया, जहां ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकरों को उतारा गया। रेलवे अफसरों के दस्तावेज पूरे कराते हुए ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। मंत्री सतीश महाना ने बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं होने दी जाएगी। इसी क्रम में आज पश्चिम बंगाल से लाई गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को कानपुर के आसपास के जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन के टैंकरों को कन्नौज, औरैया, इटावा आदि जिलों में सप्लाई के लिए तुरंत भेजा जा रहा है। वहाँ से खाली होकर जैसे ही टैंकर लौटेंगे उन्हें ट्रेन से दोबारा ऑक्सीजन लाने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कानपुर महानगर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके उसके लिए केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कानपुर महानगर में 80 टन ऑक्सीजन आ जाइए, इसकी पहली खेप आ जाइए। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर पनकी में हमारे पास उसके स्टोरेज की सुविधा है, इसको जल्दी से ऑफलोड करके और यथाशीघ्र इन खाली टैंकरों को वापस भेज सकें, जिससे कल ये दोबारा लोड होकर परसों सवेरे तक दोबारा आ जाए। अब ये ऑक्सीजन की जो पूर्ति के जो महत्वपूर्ण विषय था, जो कमी थी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आने के बाद कानपुर महानगर को और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को, सफाई को, कन्नौज को, रायबरेली को इससे राहत मिलेगी। ये दुर्गापुर से लोड हुए हैं कल शाम को और कानपुर आए हैं। 20 टन के 4 टैंकर हैं, टोटल 80 टन ऑक्सीजन इनमें है, जिनका कानपुर में अनलोडिंग किया जाएगा। रोड टैंकर इसमें रेल टैंकर से रोड टैंकर में इसमें शिफ्ट किया जाएगा और विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें लिंडे कंपनी और पनकी ऑक्सीजन को जिला प्रशासन के द्वारा इनको डिप्यूट किया गया है और सारे सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे की भी एक टेक्निकल टीम है बैकअप के लिए। उसके अलावा हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी खाली करा सकें ताकि ये फिर से लोडिंग के लिए दुर्गापुर चला जाए और फिर से ऑक्सीजन आए।